लोकसभा चुनाव के रण में इस बार जालौर सिरोही सीट का चुनाव सबसे दिलचस्प और रोचक हो गया है, क्योंकि कांग्रेस ने यहां से पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं वैभव गहलोत के यहां से चुनाव लड़ने पर यह दिलचस्प संयोग हो गया है कि बाहरी नेताओं ने यहां आकर अपनी किस्मत आजमाई है। दिग्गज बूटा सिंह, कैलाश मेघवाल, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण और उनकी पत्नी सुशीला लक्ष्मण यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। बूटा सिंह तो देश के गृह मंत्री और राज्यपाल भी रह चुके हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की जाजम अब बिछने लगी है। भाजपा ने 15 और कांग्रेस ने अब तक अपने 10 प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन राजस्थान में इस बार जिस लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें रहेंगी वो है जालौर सिरोही। यहाँ मुकाबला होगा कांग्रेस के वैभव गहलोत और भाजपा के लुम्बाराम चौधरी में। जाहिर सी बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के चुनाव लड़ने से जालौर सिरोही सीट एक बार फिर देश में सबकी नजरों में आ गई है। अब जंग कौन जीतेगा यह तो नतीजे बताएंगे, लेकिन एक बार फिर जालौर सिरोही सीट बाहरी नेताओं को रास आने वाला इतिहास दोहरा रही है। वैभव गहलोत ने मतदाताओं के बीच जाकर अपने प्रचार का भी आगाज कर दिया है। सीआईसीसी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब का, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी का, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा साहब, तमाम नेताओं का धन्यवाद देता हूँ और साथ ही तमाम जालौर सिरोही संसदीय क्षेत्र की तमाम कांग्रेस का कि आपके विश्वास के ऊपर मुझे पार्टी ने ये मौका दिया और आने वाले समय में निश्चित तौर पे हम लोग जालौर सिरोही में जो पिछले 15 साल से भाजपा का सांसद बनता आ रहा है, इस पूरी पार्टी को हम यहाँ तोड़ेंगे। अब आपको बताते हैं अतीत में इस सीट पर कौन कौन दिग्गज बाहरी नेता लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता बूटा सिंह इस सीट से 4 बार सांसद रह चुके हैं। बूटा सिंह 3 बार कांग्रेस से और 1 बार निर्दलीय सांसद यहां से निर्वाचित हुए थे। बूटा सिंह 1984, 1991, 1998, 1999 में यहां से सांसद रहे थे। वहीं भाजपा के 3 कद्दावर नेता भी यहां से लोकसभा चुनाव के रण में उतरे थे। कैलाश मेघवाल, बंगारू लक्ष्मण और उनकी पत्नी सुशीला लक्ष्मण ने यहां से चुनाव लड़ा था। हालांकि बीजेपी के अध्यक्ष रहे बंगारू लक्ष्मण बूटा सिंह से चुनाव हार गए थे, पर अगले चुनाव में उनकी पत्नी ने बूटा सिंह को शिकस्त देकर हिसाब चुकता कर दिया था। कैलाश मेघवाल ने भी बूटा सिंह का यहां से खूंटा उखाड़ दिया था। बूटा सिंह यहां से सांसद चुनने के बाद देश के गृह मंत्री भी बने थे। खास बात यह थी कि बूटा सिंह, बंगारू लक्ष्मण और उनकी पत्नी तो राजस्थान के ही निवासी नहीं थे, फिर भी वोटर्स ने उनके लिए पलक पावड़े बिछा दिए थे। हालांकि पिछले 4 चुनाव से यह सीट कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज बन चुकी है। 2004 से कांग्रेस लगातार यहां से हार का सामना कर रही है। परिसीमन के बाद इस सीट पर कांग्रेस का जीत का खाता तक नहीं खुला है, लिहाजा कांग्रेस ने इस बार बड़े चेहरे पर एक रणनीति के तहत यहां दाव खेला है। अतीत के चुनाव परिणाम बताते हैं कि इस सीट के मतदाताओं ने स्थानीय और बाहरी प्रत्याशी में कोई फर्क नहीं किया। 3 बाहरी प्रत्याशियों को उन्होंने वोट देकर सांसद बनाया। ऐसे में अतीत के आंकड़े वैभव गहलोत के लिए शुभ संकेत कहे जा सकते हैं। पिछले परिणाम बताते हैं कि बाहरी का मुद्दा चुनाव में यहां ज्यादा नहीं चलता। जानकारों का मानना है कि जालौर सिरोही लोकसभा सीट के मिजाज को भांपना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यहां के मतदाताओं ने बाहरी नेताओं पर खूब मोहब्बत लुटाई और उन्हें जिताकर सांसद बनाया। एक बार फिर वैभव गहलोत के यहां से चुनाव लड़ने से इतिहास फिर ताजा हो चुका है। बूटा सिंह, कैलाश मेघवाल, बंगारू लक्ष्मण और सुशीला बंगारू जैसे बड़े दिग्गज नेता यहां से चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार मुकाबला क्या रहेगा ये तो नतीजों से साबित होगा, लेकिन एक बात तय है कि जालौर लोकसभा सीट पर स्थानीय और भारी मुद्दा कभी काम नहीं करता, क्योंकि यहां की जनता ने खूब अप्रत्याशित और चौंकाने वाले परिणाम हमेशा दिए हैं। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।